औरतें अल्लाह अकबर अल्लाह। अरे औरतें, ये मर्द अल्लाह अकबर, ये तो शुक्र करना चाहिए। मर्दों को देखो जो बीवियों के साथ बैठे हुए, क्या हुआ? खुदा की कसम ऐसा लग रहा है फलस्तीनी इसराइली के बराबर में बैठा हुआ। मर्द एक मजलूम आइटम है। अरे जाइए, आप जैसे बेवफा मर्दों के साथ हम जैसी औरतें कितनी वफादारी के साथ मुतमईन जिंदगी गुजार रही हैं। बहुत वफादार है औरतें, खुदा की कसम बहुत वफादार। औरतों को चाहिए ताली बजाएं इस बात के ऊपर कि वो वफादार हैं। वाह वाह वाह, हमारे मुल्क की औरत तो सबसे वफादार है, जिसके घर में आगे निकलती नहीं, क्योंकि अम्मा समझा के भेजती, देखो बेटी इनके घर से तो मर के निकलना या मार के निकलना, बस अम्मा समझाती है। मैं एक बार कब्रिस्तान में से गुजर रहा, सुनने वाली बात है, आप जो समझ जाएंगे बहुत एंजॉय करेंगे। कब्रिस्तान में से जा रहा तो एक खातून कब्र पे बैठी, पंखे चले, झपड़ झपड़ झपड़। मैंने कहा कौन है इसमें? बोले मेरे खाविन है, मेरे शोर है। मैंने कहा भाभी आई एम सॉरी, आपको बाकी में बड़ी मोहब्बत है, आपको पता है कब्र में गर्मी होती है, आप पंखा जल रही है। बोले ये बात नहीं है, इन्होंने मरते वक्त वसीयत की थी कि जब तक कब्र की मट्टी खुश्क ना हो दूसरी शादी ना करना। रोजाना खुश करने आती हूँ, पता नहीं कौन कमीना पानी की बाल्टी डाल के चला जाता है। औरतों को मुतमईन कोई नहीं कर सकता, खुदा कसम। बादशाह हार गए भाई, बादशाह शाहजहां बादशाह ने आगरा का ताजमहल बनवाया नूरजहां भाभी के लिए। भाभी के लिए? हमारे तो, हमारे तो इज्जत की जगह ना भाभी। अच्छा, भाभी ने टेंशन दे दी शाहजहां भाई को। क्या कह रही? मेरी अम्मी ने महल देखा पीछे से टेढ़ा है। और हमारे मोहल्ले में एक औरत है, 10 बच्चे उनके, और हमेशा रोती रहती है, बहन सच्चा प्यार नहीं मिला।